नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग इसरो के बारे में। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कभी 15 अगस्त 1969 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक भारत में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक भारत में। इसरो राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पूछ लेता है कई बार, याद रखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का जनक या पितामह कहा जा सकता है। ठीक है, लक्ष्य की बात करें इसरो के, इसके लक्ष्यों में शामिल है अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान व ग्रही अन्वेषण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने के लिए प्रक्षेपण वाहनों व तत्व संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य में शामिल है। इसके लक्ष्य में और शामिल है भू पर्यवेक्षण, संचार, दिशा निर्देश, मौसम विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों व तत्व संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास करना, दूर संचार और टेलीविजन प्रसारण तथा विकास संबंधी अनुप्रयोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम स्थापित करना इसरो का प्रमुख लक्ष्य है। उपग्रह आधारित चित्रों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा पर्यावरण की निगरानी के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्यक्रम आपका इसरो ही लॉन्च करता है। सामाजिक विकास एवं आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग भी आपका इसरो का ही प्रमुख लक्ष्य है। अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रही अन्वेषण में अनुसंधान एवं विकास कार्य भी आपका प्रमुख इसरो का लक्ष्य है। इसरो के बारे में अन्य तथ्यों की बात करें तो इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं जैसे मौसम पूर्वानुमान, संचार, प्रसारण आदि प्रदान करने के लिए विभिन्न मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और उनके स्वदेशी विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसरो की इस वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा इंटरेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है या भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। तो ये था आपका इसरो, क्या था? भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संगठन। आगे हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के बारे में। ठीक है,